ये था, दिस इज द चिकन पीसेस, बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी चिकन पीसेस इट इज, गर्मा गर्म चिकन करी। और चिकन करी में एक चीज जो मैंने आई लव टू हैव इट, दैट इज द रसून। आपको दिखा दो, दैट इज द गार्लिक ओवर हियर। ये देखो, ये है पूरा रसून, और इसके साथ अगर आप जब जस्ट लाइक राइस के साथ चिकन करी को लोगे और एक एक जो इसका जो रुआ होता है उसको तोड़ तोड़ के खाओगे ना भाई, और इसका स्वाद इतना बढ़िया आता है। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से चिकन को तोड़ते हैं, बटाटो का एक छोटा सा पीस लेते हैं, और गार्लिक का भी तोड़ के इसके जो जूसी कुआ से निकाल लेते हैं। मोटो व्लॉग और फूड व्लॉग, कौन सा व्लॉग है ये भाई, मुझको भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरा व्लॉग बन रहा है ज़्यादा मिक्स व्लॉग। वहाँ पर कुछ सीन मोटो व्लॉग के रह रहा है, कुछ सीन फूड व्लॉग के रह रहा है। सो भाई, घर में है मेरे बहन और माय सिस्टर इज वेरी मच फूडी, मैं भी बहुत फूडी हूँ, खाने पीने के शौकीन हूँ। तो आज का मेन्यू हो रहा है चिकन करी, माई गुडनेस वाओ, चिकन करी। तो चिकन करी के लिए चाहिए क्या है, चिकन और बाकी सब कुछ घर में है, सिर्फ नहीं है पटाटो आलू, बट आलू है, बट सीन कुछ अलग है। दो दिन पहले, एक दिन पहले माफ करिएगा, मटन करी हुआ था वहाँ पर, आलू मटन करी। बट जो मटन मेरे पापा लाए थे वो इतना गंदा, यू नो जस्ट लाइक पटाटो थे, उसका टेस्ट इतना भद्दा था, पूरा मटन करी को स्पॉयल कर दिया। तो माय मॉम सेड, भाई दूसरे बार चिकन करी में वही वाला आलू देकर चिकन करी को नष्ट नहीं करना है, तो बेटा तू सुबह सुबह जा, अच्छी जो चंद्रमुखी आलू है, जो सबसे बढ़िया आलू है चंद्रमुखी, तो वो ट्रेन जा रहा है, लोकल ट्रेन चालू हो चुका है कुछ दिनों से। तो जो मैं बोल रहा था, जो सबसे बढ़िया आलू होता है दैट इज़ द चंद्रमुखी। अरे भाई चलो, वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड रेलवे फाटक, जब भी मैं जाता हूँ ये बंद ही रहता है, पर अभी खुला खुला मिला, जस्ट ट्रेन क्रॉस किया। तो चंद्रमुखी आलू लेने जा रहा हूँ और जा रहा हूँ चिकन लाने के लिए। सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी सो मच जूसी, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा चिकन खरीदने से, आलू खरीदने से, चिकन करी बनाने से, खाने का वीडियो पूरा 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 सीन में अपलोड करने वाला हूँ। यस, मैं आ चुका हूँ भाई, बाइक पार्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हेडेक। एक चीज़ में ओके, आलू लेने के लिए मेरा एक फिक्स दुकान है जहाँ पे ओरिजिनल चंद्रमुखी आलू मिलता है। चंद्रमुखी आलू को तो हैं, चंद्रमुखी तो तब बेचे 2 किलो, तो बड़ो बड़ो देखे सुंदर देखे 2 किलो। तो अभी लेना है मुझको चिकन भैया, काटा है से? काटो ना। একটা বডি, একটা দুটো বডি মাপতেই কত হচ্ছে? এত লাগবে না, এত লাগবে, একটু একটা বডি একটু দেখো না, কেটে দাও না, একটা বডি একটা বডি মানে অর্ধেক করে দাও না, ওই মাংসের দিকটা দিয়ে দাও, মাংসের দিকটা, ঠিক আছে, ওকে ফাইন ফাইন। কত হলো? 100 টাকা। 100, ওকে। হ্যাঁ, নর্মাল নর্মাল নর্মাল, বেশি বড়ো বড়ো মানে বেশি ছোটো ইয়ে করো, ছোটো করতে হবে, বড়ো বড়ো দেখে করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যাস ব্যাস ব্যাস, yes.
तीन दाने, थैंक यू। सो भैया हो चुका है चिकन खरीदना। घर में एक्चुअली चिकन खाता है कौन? मैं, मेरा बहन, दैट्स इट। बहन के बेटी सिंपल वन पीस, तो ज़्यादा लेने का फ़ायदा नहीं था, तो जितना ज़रूरत था उतना ही मैंने खरीद लिया। नाउ टाइम टू गो, अभी होगा कुकिंग। तो ये वाला सीन यहाँ पर ख़त्म करते हैं मार्केट का, अभी चलते हैं सीधे किचन में। सो ये है डायरेक्टली सीन किचन से। तो गाइस देख सकते हो पूरा जो चिकन जो मैंने अभी अभी खरीदा है, ये है आज का सीन। चिकन करी हो रहा है और पूरा चिकन करी का लुक एट द कलर, कलर भी आ चुका है पूरा स्पाइसी एंड चिकन ग्रेवी का। और ये जो चंद्रमुखी आलू है, ओके, इसका अमेजिंग टेस्ट आपको थोड़ा दिखाता हूँ। लुक एट द सीन, ये है जो पोटैटो जो मैंने सुबह खरीदा था, इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना भाई, गॉड क्या बोलूँ। एंड ये था, दिस इज़ द चिकन पीसेस, बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी चिकन पीसेस इट इज़। यहाँ पर दो एग भी दिया गया है बिकॉज माई सिस्टर डजेंट हैव द चिकन, सो इतना सारा चिकन शायद मुझको ही खाना पड़ेगा। ओके इज एंटायर थिंग्स। तो चलिए चिकन को पूरा तैयार हो जाने दीजिए, ऑलमोस्ट हो चुका है, बाकी का सीन आपको बाद में दिखा दें। तो ये कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, देखो जिस पूरा जस्ट स्मोक धुआं भी उठ रहा है, गर्मा गर्म चिकन करी। और चिकन करी में एक चीज़ जो मैंने आई लव टू हैव इट, दैट इज़ द रसून। आपको दिखा दो, दैट इज़ द गार्लिक ओवर हियर। ये देखो ये है पूरा रसून, और इसके साथ अगर आप जब जस्ट लाइक राइस के साथ चिकन करी को लोगे और एक एक जो इसका जो धुआं होता है उसको तोड़ तोड़ के खाओगे ना भाई, और इसका स्वाद इतना बढ़िया आता है। जस्ट लुक एट द कलर, लुक एट द सीन, पूरा स्पाइसी मसालेदार, और इसका जो खुशबू है ना बाय गॉड अमेजिंग भाई। मिर्चे तो देखकर, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं बटर भी दे रहा हूँ भाई, मेरे मुंह में तो पूरा पानी आ चुका है। पूरा बटर पूरा गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पूरा मिक्स होने के बाद बटर चिकन करी, ओके, इसका नाम बटर चिकन करी भी दे सकते हैं। सो भैया चिकन के साथ राइस ऑलरेडी हो चुका है, दिस इज द चिकन, और ये है पूरा वाइट राइस। तो देखो भाई ये है चिकन का जो रसून, गार्लिक जिसके बारे में बोल रहा था, दिस इज द फुल गुड कंप्लीट गार्लिक। जस्ट लुक एट द सीन, चलो आपके लिए थोड़ा सा मैं, ओह व्हाट अ फ्लेवर, क्या कमाल का खुशबू आ रहा है भाई। तो पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से चिकन को तोड़ते हैं, पटाटो का एक छोटा सा पीस लेते हैं, और गार्लिक का भी तोड़ के इसके जो जूसी कुआ से निकल लेते हैं, और एक पूरा सेट मुंह में देते हैं। जस्ट भाई पूरा दिल को छू रहा है, और क्या बोलूं, जस्ट लाइक अ फ्लेवर ऑसम, जितना बढ़िया इसका टेस्ट है, इतना बढ़िया ग्रेवी का टेस्ट है, उतना ही बढ़िया ये पटाटो का टेस्ट है, उतना ही बढ़िया ये गार्लिक का टेस्ट है, तो सब कुछ मिलाकर ये कमाल का कॉम्बिनेशन। सो गाइस चलिए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।